बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे रेप के हवाले से। आज तीन चार दिन पहले गालिबन 9 अक्टूबर को लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक तलबा के साथ ज़्यादती हुई, उस हवाले से एहतजाज हो रहा है। और जो गार्ड्स थे उनको, दो में से एक गार्ड को अरेस्ट किया गया और एक जो ड्राइवर था वो और एक गार्ड भागे हुए हैं। उन्होंने मिलकर एक इज्तमाई, सुनने में आया कि एक इज्तमाई ज़्यादती की है बच्ची के साथ। बच्ची आईसीयू में है लाहौर में, और जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हैं वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, इस इंसिडेंट को। ताहम वहाँ जो एहतजाज लोग कर रहे हैं, जो तलबा हैं बड़ी तादाद में, वो एहतजाज कर रहे हैं। और जो वकूआ रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक एक फर्स्ट ईयर की बच्ची के साथ दो गार्ड्स ने और एक ड्राइवर ने इज्तमाई ज़्यादती की है। इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है, उनको कितनी सज़ा दी जा सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो रेप है, हमारा पाकिस्तान पिनल कोड तज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 375 इसको डिफ़ाइन करता है। रेप के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने, जैसा कि मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ या लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि मेरे ऑलमोस्ट 550 से ज़्यादा लेक्चर्स जो रोज़मर्रा के वाक़यात हैं उन पर मौजूद हैं, उनको प्लेलिस्ट में आप जाकर सुन सकते हैं। सो रेप के वाले से भी एक डिटेल लेक्चर मौजूद है। आज सरसरी उसके ऊपर उसका जायज़ा लेता हूँ कि रेप क्या है और उसकी सज़ा क्या है, और इस वकूए में जो मुलव्वस लोग हैं उनको कितनी सज़ा हो सकती है। जो रेप है उसके सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का 375 उसको डील करता है। 375 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स किसी खातून के साथ उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट आर विल, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो रेप के ज़ुमरे में आएगा, या उसकी कंसेंट, उसकी रजामंदी के बग़ैर उसके साथ करता है, रेप का दूसरा इंग्रेडिएंट है सेक्शन 375 में जो लिखा गया है, क्या अगेंस्ट आर विल विदाउट आर कंसेंट। नंबर तीन, उस खातून की कंसेंट, उसको डरा धमका कर, उसको जान से मार देने की धमकी देकर, या कोई सवियर हर्ट ज़र्ब लगाने की धमकी देकर उसकी कंसेंट हासिल की गई और उसके बाद रेप किया गया हो, या कोई ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से कम है, चाहे उसने कंसेंट दी या नहीं, विदाउट हर कंसेंट उसके साथ रेप किया गया हो, ज़्यादती की गई हो, तो वो भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। और उसके अलावा कोई ऐसा शख्स किसी ऐसी खातून के साथ रेप करता है जिसका उसको पता है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, और वो खातून की कंसेंट उस इस बेस पर ले लेता है कि वो उसको ये इस बात पर मायल कर लेता है कि वही उसकी वाइफ है, और ऐसी सूरत में भी अगर कोई ज़्यादती करता है तो वो भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। अब ये जो 16 साल से कम बच्ची की कंसेंट मौजूद हो या ना मौजूद हो, दोनों सूरतों में अगर उसके साथ रेप ज़्यादती की जाती है तो रेप के ज़ुमरे में आएगा। सेक्शन 375 के अंदर इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन 376 में इसकी जो सज़ाएं हैं वो तीन किस्म की सज़ाएं आप कह सकते हैं। पहली सज़ा ये है कि डेथ पेनल्टी, ऐसे शख्स को जो रेप कमिट करेगा उसको सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। हर केस के अपने हालात और वाक़ात होते हैं, ये डिपेंड करता है कि शहादत किस किस्म की है। सो मैक्सिमम जो सज़ा है वो डेथ, कैपिटल पनिशमेंट जो डेथ पेनल्टी की सूरत में है। उसके अलावा दूसरी सज़ा हो सकती है 10 साल से ज़्यादा उम्र, 10 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, डेथ पेनल्टी के साथ भी जुर्माना हो सकता है। और उसके अलावा 25 साल से ज़्यादा
कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। यह 376(1) में लिखा गया। 376(2) में जो सज़ा दी गई है, अगर इज्तमाही दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी है, और कम से कम सज़ा जो है वो उम्र कैद है, यानी कि सज़ाए मौत होगी, या फिर हर शख्स को, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, हर शख्स को सज़ाए मौत होगी या फिर उम्र कैद सज़ा होगी। ये सेक्शन 376 के अंदर लिखा गया रैप से मतलब। सो आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।